नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद मलिक में। आज हम 16 मार्च 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज की करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन है इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम कोरोना, इंस्टाग्राम इन्फो, इंस्टाग्राम गो। इनका सही आंसर है इंस्टाग्राम फीड। और दूसरा प्रश्न है, पेक्सिको इंडिया ने कथित तौर पर अपने स्नैक्स ब्रांड कुरकुरे के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमारे ऑप्शन अक्षय कुमार को, सलमान खान को, रोहित शेट्टी को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अक्षय कुमार को। हमारा तीसरा प्रश्न है, कविकर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हेयर कलर ब्रांड इंडिका के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमारे ऑप्शन अक्षय कुमार, इलियाना डिक्रूज, A&B, इनमें से कोई। इसका सही आंसर है दोनों को, A&B। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने COVID-19 कोरोना वायरस 19 के प्रसार से बचने के लिए नमस्ते ओवर एंड चेक अभियान शुरू किया। हमारे ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य ने। हमारा पांचवा प्रश्न है, ईरान ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से वित्तीय मांग की है। हमारे ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका डी भारत। इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में किस अमेरिकी राजनेता का निरोधात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया है। हमारे ऑप्शन है अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, सजाद लोन, मोहम्मद सागर। इसका सही आंसर है फारूक अब्दुल्ला। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चुना है। हमारे ऑप्शन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, उत्तराखंड रेलवे स्टेशन, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमारा आठवां प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स परिषद ने किस देश पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। हमारे ऑप्शन है रूस, मलेशिया, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रूस। हमारा नौवां प्रश्न है, किस बैंक ने यस बैंक में 300 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है बंधन बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बंधन बैंक। हमारा नौवां दसवां प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते स्पेन के बाद किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अमेरिका देश ने। हमारा 11वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किस बंदरगाह पर शिव समर्थ स्मारक संग्रहालय तथा केंद्रीय पार्किंग प्लाजा सहित 5 परियोजना का उद्घाटन किया है। हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, विजांग बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2020 के दौरान मनरेगा पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हमारे ऑप्शन है 1.83 लाख करोड़ रुपए, 1.33 लाख करोड़ रुपए, 1.50 लाख करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है 1.83 लाख करोड़ रुपए। हमारा 13वां प्रश्न है, युवाओं को कौशल विकास और रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कौशल सतरंग योजना और युवा हब योजना लॉन्च की है। हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारा 14वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया है। हमारे ऑप्शन है 4%, 7%, 8%, 15%। इसका सही आंसर है 4%। हमारा 15वां प्रश्न है, किसे भारत का मोस्ट डिजायर्ड इंटरनेट ब्रांड चुना गया है। हमारे ऑप्शन है अमेजन, गूगल, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अमेजन को। हमारा 16वां प्रश्न है, विश्व हेल्थ डे कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन 7 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 7 मार्च को। हमारा 17वां प्रश्न है, लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कब किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है 21 जून को, 22 मार्च को, 5 अप्रैल को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 21 जून को। हमारा 18वां प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण अमेरिका ने कितने दिनों के लिए ब्रिटेन को छोड़कर यूरोपीय देशों पर
यात्रा पर रोक लगाई है अमर ने, 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 30 दिन के लिए। हमारा 19वां प्रश्न है, देश में सोलर रूफ टॉप प्लांट्स में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गुजरात राज्य ने। हमारा 20वां प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल की उप महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नति होने वाली पहली महिला कौन बनी? हमारे ऑप्शन है अंजुम चोपड़ा, स्मृति ईरानी, नुपुर कुलश्रेष्ठ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आ रहा है नुपुर कुलश्रेष्ठ। हमारा 21वां प्रश्न है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है नाना शंकर शेठ, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नाना शंकर शेठ। हमारा 22वां प्रश्न है, किस बैंक ने येस बैंक के 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। हमारा 23वां प्रश्न है, गुजरात के राज्यसभा चुनाव से पहले पहले कांग्रेस के कितने विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है? हमारे ऑप्शन है दो विधायक, 3 विधायक, 4 विधायक, 5 विधायक। इसका सही आंसर है 5 विधायक। 24वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल ने सरकारी व निजी संपत्तियों को नुकसान की भरपाई वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। हमारा 25वां प्रश्न है, भारत की किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर थूकता पाया जाएगा तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा? इसका हमारे ऑप्शन है केरल सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार। इसका सही आंसर है गुजरात सरकार ने। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मलिक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों हरियाणा जीके के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मलिक 2.0 को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो की PDF का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।